हेलो दोस्तों, वेलकम टू डूअर चैनल। आइए आज हम छत्तीसगढ़ पीसीएस के बारे में समझते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। आज हम इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे। बट फिर भी जो लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्र हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके बारे में आज का वीडियो खासकर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आज हम मेनली इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पैटर्न को समझते हैं कि क्या है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में क्या है, इन सब बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न ये है कि हमारा पीसीएस में दो पेपर होंगे, एक प्रीलिम्स का होगा, एक मेंस का होगा। प्रीलिम्स के अंदर भी दोस्तों दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन जीएस का होगा, पेपर टू सीसेट का होगा। जो कि इस बार कुछ चेंजेस आए हैं हमारे एग्जाम में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, कि सीसेट के एग्जाम क्वालिफाई कर दिए गए हैं। उसमें भी क्वालिफाइंग का ये है कि जैसे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको ओवरऑल मार्क्स का, जैसे जीएस के 200 मार्क्स के होते हैं, सीसेट के 200 मार्क्स के होते हैं। पहले क्या था कि दोनों के मार्क्स ऐड होते थे, उसके बेसिस पे मेरिट बनता था। बट दिस ईयर चेंजेस ये हैं कि जीएस के पेपर केवल काउंट होंगे, 200 मार्क्स पे मेरिट बनेगा, और जो सीसेट का पेपर है दोस्तों वो 200 मार्क्स का रहेगा। बट इस पे केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है हमको, इसका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होगा मेरिट बनने में। क्वालिफाइंग मार्क्स में भी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, एसटी एससी ओबीसी, उनको 23 मार्क्स चाहिए। दैट मींस 46 मार्क्स, 23% एंड 46 मार्क्स। और जनरल कैटेगरी के छात्रों को ओवरऑल एग्जाम का सीसेट 200 मार्क्स में 33% मार्क्स चाहिए। दैट मींस 66 मार्क्स। और जो मेरिट बनेगा दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि वो जीएस बेसिस पे बनेगा। और एक और चेंजेस हुआ है एग्जाम में कि पहले माइनस मार्किंग जो थी, माइनस मार्किंग 1/2 थी, जो कि इस बार 1/3 हो गई है। ओके, तो इससे क्या है कि मुझे जो कहीं ना कहीं लग रहा है, या जो एक्सपीरियंस मेरा बोलता है, एक्सपीरियंस ये है कि अब ये माइनस मार्किंग कम हुआ है तो मेरिट जो है वो बढ़ेगा पहले से। पहले जैसे था कि 50% के आसपास होता था मेंस के क्वालिफाई करने को। बट इस बार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, या एक्सपीरियंस से जो मुझे लग रहा है, कि इस बार लगभग 60-65% के बीच में अगर हम हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। और उसके लिए दोस्तों जीएस का पेपर थोड़ा ऑब्वियसली टफ पहले से थोड़ा होगा, क्योंकि अब सारा का सारा वेटेज इसी का है। तो इस पे पहले के अपेक्षा के लिए थोड़े कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस में कि टफ है पहले के मुताबिक। तो हमको ज्यादा ज्यादा देखना यहाँ है मेंस के पेपर है, सॉरी जीएस के पेपर में हमको ज्यादा प्रीलिम्स में देखना है, और बाकी सीसेट क्वालिफाई हो गया। तो ऐसा नहीं कि हमको इसके लिए तैयारी नहीं करना, बट क्या है कि पहले जैसे इसके मार्क्स जुड़ते थे तो लोग इस पे, जैसे मैथ बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, वो ज़्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे सीसेट पे, और जीएस पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता था। लेकिन इस बार क्या है कि अब सारे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन अब जीएस के ऊपर होगा, क्योंकि अब सीसेट क्वालिफाई हो गया, मार्क्स ऐड होना नहीं है, तो कोई विशेष मतलब है नहीं। तो दोस्तों, हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को समझ गए, ये प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है। और हाँ दोस्तों, एग्जाम का डेट, फॉर्म फिल होने का फॉर्म शुरू हो गया है 9 दिसंबर से, 9 जैन टू डेट शुरू हो गया है फॉर्म फिल होने का। और क्या है कि और 7 जनवरी लास्ट डेट है। सॉरी दोस्तों, मैंने डेट को लेके थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गया था। तो दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर 2017 से, और लास्ट डेट है 7 जनवरी 2018। इसके बीच में प्रीलिम्स का हमको फॉर्म भर लेना है। और ये हो गई प्रीलिम्स के बारे में चर्चा। अब हम मुख्य परीक्षा पे आते हैं, मेंस में। मेंस के एग्जाम का पैटर्न ये है कि ओवरऑल टोटल 7 पेपर होंगे। पेपर वन में जैसे लैंग्वेज है, पेपर टू एसे का है, पेपर थ्री हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन लोक प्रशासन, पेपर फोर विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण, इसी तरह पेपर फाइव को देखेंगे तो अर्थव्यवस्था एवं भूगोल है, पेपर सिक्स में जाएंगे तो गणित एवं तार्किक योग्यता है, पेपर सेवेंथ में जाएंगे तो दर्शन और समाजशास्त्र है।
ये सारे पेपर 1 to पेपर 7 तक ये 200 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स सेवन टोटल सातों पेपर के मिला के 1400 मार्क्स हो गए। और इसके बाद हमारा जो साक्षात्कार इंटरव्यू होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो मार्क्स 1550 ओवरऑल मार्क्स हो जाएंगे, 1400 टोटल इसके जीएस के मुख्य परीक्षा के पेपर 1 to पेपर 7 के, और 150 नंबर साक्षात्कार इंटरव्यू के हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो टोटल नंबर 1550 हो जाएंगे। ये रहा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रीलिम्स का पैटर्न एंड मुख्य। तो दोस्तों हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में समझ लिया। प्रारंभिक परीक्षा में हमें तीन चीज अभी ध्यान में रखनी है कि डेट, एग्जाम के डेट आ गए हैं, 9 9 जो फॉर्म फिल होने के डेट 9 दिसंबर हैं, और फॉर्म लास्ट डेट जो फॉर्म का है वो 7 जनवरी 2018 और 18 फरवरी को एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट 18 फेब को है। ओके, तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस के जो सिलेबस हैं प्रीलिम्स के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको प्रीलिम्स या मेंस में जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।